हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आचारी ड्रमस्टिक की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरा नया नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रमस्टिक लिया है, इसे मैंने वॉश कर दिया है। इसे मैं अभी बॉईल करूँगी नमक, हल्दी और पानी डाल के। तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया। पानी ज़रूरत के अनुसार हम देंगे। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये देखिए, पहले मैंने यहाँ हल्दी पाउडर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 ड्रमस्टिक्स लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको, जो नमक और हल्दी है, उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। पानी के साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा। थोड़ा सा हिला देती हूँ इसको। ये गर्म था तो इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अब मिक्स हो गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाने देते हैं। थोड़ा बॉईल हो जाने दीजिए। पहले मैं गैस को थोड़ा हाई रखती हूँ। जब ये हो जाएगा तो स्लो कर देंगे। ये देखिए, ड्रमस्टिक हो गया है। मैं एक देखती हूँ, निकल के एक देखती हूँ कितना हुआ है बॉयल। बहुत गर्म है। हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है इसीलिए, लेकिन हो गया है। मैं इसको निकल देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। 1 से 1.5 चम्मच ऑयल है ये। ऑयल अब गर्म हो गया है। मैं इसको थोड़ा हिला देती हूँ। अब मैं इसमें छोटा छोटा कटा हुआ प्याज डालती हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, जिसे मैं चॉप कर दिया है। इसको हम थोड़ी देर सत्ते करेंगे। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम सत्ते करेंगे। मैं फिर से थोड़ा इसे मिक्स करती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ ताकि हमारा प्याज जो है जल्दी पक जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है। एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर है ये। इसको थोड़ी देर ऐसे भुनेंगे। टमाटर ओनियन थोड़ा मिक्स हो जाने के बाद है, हम नेक्स्ट प्रोसेस को जाएंगे।
अब मैं इसमें हो गया है, अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच से भी कम लिया है मैंने हल्दी पाउडर। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी, ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। आप चाहो तो तीखा वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम थोड़ी देर सौते करने के बाद, ये देखिए मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, एक चम्मच लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसका जो कच्चापन है जिंजर गार्लिक का वो जाने के बाद मैं ड्रम स्टिक को इसमें ऐड करूँगी। लेकिन ये देखिए ड्रम स्टिक अभी भी गर्म है, लेकिन इसका जो पानी है मैं इसको ड्रेन कर देती हूँ। अब मैं इसको इसमें मिला दिया मसाला के साथ, ड्रमस्टिक को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो अचारी मसाला बना के रखी हुई थी उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। अचारी मसाला मैं खुद अपने घर पर बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अचारी मसाला का रेसिपी डाल दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए हमारा अचारी ड्रमस्टिक रेडी होने वाला है। अभी और एक चीज़ बाकी है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसे डालना है। ये जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक 1 स्पून अचार लिया है। ये सॉल्टी वाला अचार है, आप चाहो तो मीठी वाला अचार भी ले सकते हो क्योंकि सॉल्टी वाला अचार का फ्लेवर कुछ अलग है। और ये मिक्स्ड पिकल है इसीलिए तो इसका नाम अचारी ड्रमस्टिक है। और ये बहुत बनाने में भी बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। अचारी ड्रमस्टिक अब हो गया है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा धनिया के पत्ते से सजा देती हूँ। इसे आप राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। ये रेसिपी आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका अनुभव मेरे चैनल प्रतिमास किचन में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।